प्रदेश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रोजगार की उपलब्धियां गिराती है, तो वहीं विद्युत विभाग में कार्य कर रहे 990 मीटर रीडर संविदा कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं। जिले के हर विद्युत केंद्र पर तैनात मीटर रीडर CSPL कंपनी के माध्यम से मीटर रीडिंग का काम कर रहे थे, लेकिन अब नई कंपनी TDS के आने के बाद बिना कोई लिखित आदेश के मांग किया जा रहा है, अगर प्रत्येक मीटर रीडर TDS कंपनी को 22,000 रुपये नहीं देगा तो ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करेगी। अब मीटर रीडर परेशान होकर अपने उच्च अधिकारियों सहित जिलाधिकारी को ज्ञापन देने को मजबूर हैं। मीटर रीडरों ने संयुक्त रूप से मध्यांचल के यदि कोई भी शिकायत की है तो मीटर रीडर संघ के उपाध्यक्ष का कहना है, हम लोगों से सामूहिक रूप से इस्तीफा मांग लिया गया है, लगातार सारे उपकरण जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनको क्या न्याय दिलाएगी। संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, 3 साल हो गया मुझे कार्य करते हुए। मैं CSPL में काम कर रहा हूँ कंपनी में, मीटर रीडिंग के पोस्ट पर हूँ। जो अभी तक मैं कार्यरत था इस कंपनी में CSPL में, और नेक्स्ट नवंबर से क्या नाम है ये TDS कंपनी आ रही है, इसके थ्रू पहले पैसा मांगा जा रहा था कि 30-30 हज़ार रुपये, टेली कॉलर लोग हम लोगों के पास कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि 30-30 हज़ार रुपये लगेगा। तो राजवीर सिंह जो है इन लोगों को अरेस्ट करवाए और उसके बाद इनको जेल भी भेजा गया, इनको फिर मैनेज कर लिया गया। फिर हम लोगों को बोला गया कि आप आइए ऑफिस आइए, सारे का डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। हम लोग गए, उनसे बातचीत किए तो वहाँ सुशील प्रजापति बैठे हुए थे, राजवीर सिंह बैठे हुए थे, इन दोनों सर से बात हुई तो इन्होंने कहा कि इतना 17,000 रुपये पहले देना पड़ेगा और 1-1 हज़ार रुपये आपके सैलरी से कटेगा, 5 महीने तक ये चीज़ कटेंगे। CSPL के ही कर्मचारी हैं, अभी TDS के भी अब आ रहे हैं, ये TDS में आ गए, इनको काम हैंड ओवर। किस रूप में आपसे पैसा मांगते हैं? ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के तौर पे आपसे हम पैसा मांग रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट में ऐसा कोई लिखित में नहीं दे रहे हैं। MD साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक लिखित में सभी लोगों को सिग्नेचर करके, सभी लोग साइन करके उसको लिखित में दीजिए चीफ साहब। हम लोगों ने वो कल रिसीव करवा दिया चीफ साहब को। चीफ साहब को एक लेटर रिसीव कराया था जिसमें अभी कोई कार्रवाई का नहीं हुआ है। आगे हम सब लोग आज DM साहब के पास आए थे, DM साहब ने हम लोगों को मना कर दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। आप MD साहब से बात करें या अपने विभागीय कार्रवाई अधिकारी से बात करें। जी, मेरा नाम लाल बाबू पांडे है, मैं धानीपुर पावर हाउस पर, धानीपुर फीडर पर एज अ मीटर रीडर काम कर रहा हूँ और मीटर रीडर संघ गोंडा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। इसमें नई कंपनी आई है TDS, उसके द्वारा सभी मीटर रीडरों के द्वारा जो 3 से 4 साल पुराने हैं उनसे 22,000 रुपया मांगा जा रहा है। 22,000 रुपये ना देने की स्थिति में उनसे कहा जा रहा है कि आपको किसी ने बुलाया नहीं है काम करने के लिए, जब 22,000 नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। ये TDS कंपनी के द्वारा उनके कर्मचारियों द्वारा मांगा जा रहा है, जबकि कल MD सर से बात हुई तो MD सर कह रहे हैं।